La 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 la, ये वीडियोकॉन का एलसीडी है। इसमें प्रॉब्लम है, रिमोट दबाने से, ये रिमोट है, वीडियोकॉन की रिमोट है, ये रिमोट दबाने से देखिए स्टैंड बाई लाइट बंद हो जाता है, फिर से आ जाता है। देखिए ये लाइट चला जाता है, बाद में लाइट बैक करता है। देखिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई और पावर ऑन ऑफ, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, बीएल अच्छे है और बीएल ऑन ऑफ, अच्छे ऑन ऑफ है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 3 और 4 जोड़ दिया मैंने। ठीक है, लगा के देखिए, ये लगा के देखिए, ये 3.3 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये क्या आ रहा है, 1.2, देखिए 1.2 आ रहा है। और इधर जो वोल्टेज है ना, इधर ये देखिए 3.3 वोल्ट लिखा है और 2.5 वोल्ट। तो हम इधर भी देखते हैं, तो इधर जो हम देखेंगे, देखिए देखिए हम लगाया है, देखिए 3.3 वोल्ट, ये देखिए, ये इधर लगा रहा हूँ, ये 2.5 वोल्ट। ठीक है, मतलब इधर भी, इधर 8 नंबर पिन में वोल्टेज आ गया है। देखिए फ्लैश की 8 नंबर पिन में वोल्टेज आ गया है 3.2 वोल्ट। तो मतलब जो है इसको हम लोग डुएल पल्स एरर एम्पलीफायर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डुएल पल्स एरर एम्पलीफायर, मतलब जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो वोल्टेज निकलता है ना, वो निकलने के बाद दोनों वोल्टेज जाकर वो एरर एम्पलीफायर को टिगरिंग करता है, बाद में फोटोकॉप्टर के मार्फत वो फीडबैक आता है PWM के। ओके, तो हम लोग थोड़ा इधर वोल्टेज चेक कर लेंगे, वो ग्लो हो रहा है। ठीक है, हम लोग रिमोट दबा के देखेंगे क्या मसला होता है। देखिए काम नहीं हो रहा है, फिर से दोबारा चला जाता है। तो हम लोग पावर सप्लाई हम लोग देखेंगे 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट 5.83 है, लगभग बराबर है, 6 वोल्ट के आसपास है। 15 वोल्ट लगभग, 16 वोल्ट लगभग, 16 वोल्ट, इधर तो 12 वोल्ट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वो डुएल इनपुट एरर एम्पलीफायर, फर्स्ट जो है 5 वोल्ट, सेकंड जो है वो 12 वोल्ट के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, एरर एम्पलीफायर काम कर रहा है। पहले 5 वोल्ट हम लोग देखेंगे क्या हो सकता, क्या होता है। देखिए ये मैंने ये किया, 5 वोल्ट एक कॉन्डेंसर लगा दिया है 4.470 mFD और 25 वोल्ट का। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे तो इधर वोल्टेज क्या है, तो देखेंगे। देखिए 5.5 पॉइंट, देखिए 5 वोल्ट 5.889 वोल्ट हो रहा है। और इधर भी हम लोग चेक करेंगे, इधर 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 से चेक करेंगे, देखिए 13.15 वोल्ट। तो पहले था 15 वोल्ट, लगभग 16 वोल्ट था, इस बार हो गया 13 वोल्ट। हम देखेंगे, ये रेड लाइट जल रहा है, रेड लाइट जल रहा है, हम देखेंगे चेक करेंगे ये चलता है क्या नहीं चलता है। आवाज आ गया स्पीकर से, मतलब ठीक ठाक है। और इधर मैंने पावर सप्लाई एक कंडेंसर इधर से लगा दिया। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम,
पावर ऑन किया। देखिए वीडियो कॉल आ गया ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।